स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट नंबर 30 है। ये साइंस की वर्कशीट है, ये क्लास 6 की वर्कशीट है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फूड आइटम्स गिवन इन द पिक्चर बिलो, सेलेक्ट द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन देम, फॉर्म द गिवन ऑप्शंस एंड राइट इट बिलो द पिक्चर अलोंग विद देयर नेम। नीचे जो पिक्चर दी गई है आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको इनका नाम लिखना है और इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहली पिक्चर देखिए, ये शुगर केन की पिक्चर है। यहाँ पे आप शुगर केन लिख देंगे और इसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसके अंदर। उसके बाद आता है फिर बटर, बटर के अंदर क्या पाया जाता है, बटर के अंदर होता है फैट। फिर आता है एग, मीट, आलमंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन। फिर आता है आपकी लास्ट पिक्चर, इसके अंदर फ्रूट्स हैं कई सारे, ऑरेंज, मौसमी, बनाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, विटामिन, विटामिन मिलेंगे इसके अंदर हमें। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आता है डिजीजेज डेट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज। जो डिजीजेज के हम बहुत टाइम, बहुत लंबे टाइम से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, उनसे जो डिजीजेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेज। फिर आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, नाइट ब्लाइंडनेस किस चीज़ से होती है, किस विटामिन के लैक से होती है, विटामिन ए के लैक से होती है। फिर आता है स्कर्वी, स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी से होता है, विटामिन सी की कमी से। फिर आता है गोइटर, गोइटर किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। फिर आता है अनीमिया, अनीमिया आयरन की कमी से होता है। फिर आता है रिकेट्स, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। फिर आता है बेरी बेरी, आप जानते हैं बेरी बेरी विटामिन B1 से होता है। ये थी आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।